This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव आर के इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतिखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आगाज़ हो चुका है। स्टॉक मार्केट 34 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है, जो कि मुस्बत पॉइंट्स हैं। अब देखना ये होगा कि आज पूरा दिन बाज़ार की सूरत हाल क्या रहती है, वो हम आपको इस पूरा दिन जो है अपनी इस लाइव वायर की ट्रांसमिशन में अपडेट कर देंगे। और अब सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट क्या है, बिज़नेस डेवलपमेंट क्या है और इस डेवलपमेंट पे इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। हमने बहुत बात की रुपी डेप्रिशिएट पर, उसका रिएक्शन भी देखा, कमोडिटीज का उसका लिंक भी किया। और अब मज़ीद बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्टर्स की स्ट्रेटजी सामने आएगी और एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार करते हुए हम कैसे पॉलिसी को बेहतर बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया गया आसिफ इनाम साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन है साउदर्न रीजन एप्टमा के। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस हिसाब से पिछला हफ्ता गुजरा, तो पाकिस्तान की तारीख में फॉरेक्स मार्केट में हमने बड़ी हलचल देखी और कमोडिटीज़ पर भी उसका इम्पेक्ट आया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से सर? जी, ये तो बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड था कि करेंसी को जो है वो ओवर वैल्यू है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा था डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट और इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स पे। इसमें कई फैक्टर्स हैं जिसमें स्ट्रक्चरल इशूज़ भी हैं, जो 4-5 साल में एनर्जी कॉस्ट से लेकर और टैरिफ का जो डिसप्रोपोर्शनेट तमाम काम हुए थे, तो उसने अपने रंग आखिरकार ला के दिखाए और इकोनॉमी जो है वो इसमें खासी हद तक ख़राब हो चुकी है, विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। टेम्परेली येस वी आर इन अ डेफिसिट ऑफ अबाउट $2 बिलियन अ मंथ, तो जब तक 2 बिलियन अरेंज होते रहेंगे तो हम करेंसी रेट भी स्टेबल कर सकते हैं टेम्परेली। स्ट्रक्चरल इशू पे अभी तक कोई मेजर ऐसा काम होते हुए नज़र नहीं आया, सिवाय एक आरडीज थोड़ी सी लगी थी इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के काम थे वो हमारे, तो जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी तो उस वक्त ये था कि 31 अक्टूबर तक सब पैकेज वैकेज आके एक्सपोर्ट का एक वे फॉरवर्ड 30-35 बिलियन का शुरू हो जाएगा, मगर अभी बेल आउट पैकेज की जो बात की, इट्स नॉट अ बेल आउट, इट्स रादर यू कैन से के रैशनलाइजेशन, जो चीज़ें गलत की गई थी उनको ठीक करना था। तो चीज़ें तो खासी हद तक ठीक थी पहले, उनको जो मिस एलोकेशन हुए टैक्सेशन किए वो तमाम रेक्टिफाई करने थे। ठीक है आसिफ साहब, जितने कर्जे गवर्नमेंट ने लिए हैं, अगर मैं IMF की बात करूं तो उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई? देखिए, कर्जे भी दो किस्म के होते हैं, एक तो एक आपने कंजम्पशन लोन लेना होता है, एक आपने लेना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्जे जो है उनका लॉन्ग टर्म पे बैक का चांस होता है, मगर आपने अगर कर्जे लेके उसमें इंडिया से टमाटर लेके खा लिए तो उसको कर्जे को कौन वापस करेगा, या कौन से वसाइल पैदा हो गए कि जिससे वो वापस होंगे? तो हमारे जो मेजर अनफॉर्चुनेटली कर्जे गुज़िश्ता पीरियड में लिए गए वो ज़्यादातर नॉन एसेंशियल किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो कंजम्पशन लोन के तौर पे चले गए। अच्छा सर, अभी जो है खबर ये आई है कि एग्रीकल्चर पे इन्होंने जो है 300 बिलियन पैसा मांगा है वर्ल्ड बैंक से, तो ये इतने कर्जे वर्ल्ड बैंक से क्यों एसोसिएट किए जा रहे हैं, IMF से क्यों इतना एसोसिएट किए जा रहे हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसाक डार साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमने IMF के सारे प्रोग्राम से हम निकल चुके हैं और अब दोबारा IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है? देखिए, जो आप अगर डेफिसिट वगैरह कई दफ़ा यहाँ भी प्रोग्राम हुए जी, जो 20 और 60 बिलियन ही है सस्टेनेबल नहीं है, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान में डिवेल्यूशन भी जो हुई है वो इंपोर्ट को कम करने के लिए हुई है, एक्सपोर्ट का तो बेस ही 20 बिलियन रह गया, तो 20 बिलियन में 10% अगर इंक्रीज़ भी आई तो वो $2.5 बिलियन से ऊपर नहीं आ सकती। मेन अब इंपोर्ट को ही स्टडी करना पड़ेगा कि कितने डॉलर पर जाके इम्पोर्ट जो है वो कर्ब होती हैं। ठीक है सर, और लोन में भी मेरा आपका थोड़ा सा है, देखिए $89 बिलियन जो है वो फंड बेस्ड लोन है, आपने एक बहुत बड़ा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी खड़ी कर दी है इन द फॉर्म ऑफ 30 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे आपने 30 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जी आप विंड पावर लगा लें 14 सेंट में
आपने कोल पावर प्लांट लगाया, इन सब का भी रीपेमेंट होगा। ये ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी जो है ये भी मेरे ख्याल में 20-25 बिलियन की खड़ी होगी। ठीक सर, एक चीज़ और है कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है उससे ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि US और पाकिस्तान की जो ट्रेड होती है या हम जो डॉलर पे ट्रेड करते हैं उसको रिप्लेस करके चाइनीज़ करेंसी यौन से जो है हम ये ट्रेडिंग पाकिस्तान में करेंगे। इस पर लास्ट मंथ बड़ी बहस हुई थी और फिर ये कहा जा रहा था, एक मिसकंसेप्शन भी था शायद कि पाकिस्तानी करेंसी की जगह जो है वो चाइनीज़ करेंसी यूज़ होगी। अब ये बयान सामने आया है फॉर द ट्रेडिंग ऑफ डॉलर वी हैव टू रिप्लेस यौन, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पॉजिटिव है, तकरीबन सारी दुनिया ही यही कर रही है। और इस पर जो चाइना ने इंसेंटिव दिया हुआ है वो ये है कि वो यौन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करते हैं जी। तो उन मुल्कों को वक्ती तौर पे जो है वो खासी सहूलत हो जाती है। डॉलर जो है उसका वैसे ही अब ग्रेजुअली जो है वो ट्रेड में रोल कम होता जाएगा, क्योंकि दुनिया का अब सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर चाइना है जी। तो चाइनीज़ करेंसी की जो दुनिया में डोमिनेशन है वो बढ़ेगी, और उन्हें ना सिर्फ हमारे से बल्कि बहुत सारे मुल्कों से वो ये कर रहे हैं। इट्स राइटफुली इट्स अ कंपटीशन एंड दूसरे भी हमें इंसेंटिव। व्हाट अबाउट द अस करेंसी, हमारी करेंसी पे कोई इंपैक्ट होगा इसका या नहीं? हमारी करेंसी तो मुस्तकिल फॉल और डेप्रिशिएट हो जा रही है सर। देखिए, हमारी करेंसी पे जो है वो यौन या डॉलर की ट्रेडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी करेंसी पे तो हमारे अपने अमाल और हमारे अपने एफर्ट से फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें स्ट्रॉन्ग करेंसी चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने होंगे। स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स सिर्फ ये नहीं होता कर्जा लेके अपना खजाना भर लिया, बल्कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और जिसमें ह्यूमन कैपिटल और इंडस्ट्रियल तमाम चीज़ों पे जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग करेंसी, जितने मुल्क स्ट्रॉन्ग हैं उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो चाहे हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हों या युआन में, वो एक ही रिजल्ट आएगा। पर युआन में इसमें जो एक आराम है वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेंक्शंस और ये तमाम चीज़ों में जो डॉलर का हमने देखा कि उन्होंने बियॉन्ड एक नॉर्मल जो उनकी रीच थी उससे ज़्यादा गए, तो उस लिहाज से ये एक खुशाइन है कि कंपटीशन होगा। तो मुख्तलिफ करेंसीज़ का इनका पूरा क्लियरिंग का सिस्टम भी अलग होगा। तो फिर IMF की शराइत आपको जो देखते हैं उस पर ये अगर कंडीशन रख देते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? इतने कर्जे लिए हुए हैं और IMF ने कुछ कर्जे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसाक डार साहब ने उसको जो है वो वेफ ऑफ भी करवाए थे कुछ परसेंटेज के हिसाब से, वो खबर भी हमने देखी थी। तो IMF पेनिट्रेट करता रहेगा, वर्ल्ड बैंक पेनिट्रेट करता रहेगा और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रख लेगा कि वो कभी नहीं चाहेगा कि डॉलर की साख जो है इंटरनेशनल मार्केट और खुसूसन ऐसे कंट्रीज़ जो कि बैगर्स हैं और जिनकी बुनियाद पर वो जो इंटरेस्ट बढ़ाकर अपने कर्जे लेते हैं उनका रीपे लेते हैं, वो कैसे इसको होने देंगे? देखिए, वो अपनी कोशिश करेंगे, ये अपनी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा किरदार तो ये होना चाहिए कि हमें किसी के पास भी जाने की नौबत ना आए, हमको सही बात है खुद अपना घर ठीक रखें। ठीक, तो सर उसके लिए क्या करना ज़रूरी होगा? एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट्स बेहतर करने के लिए स्टेटमेंट देना तो बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को फ़र्वा देना पड़ेगा, टैरिफ का रेट कम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, सबको ऑन बोर्ड बिठाना पड़ेगा और आपको जो है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट टैक्सेशन इतना ज़्यादा लोगों के लिए इशू रहा जिस पर कोई डिस्कस नहीं किया गया कि बस टैक्स देना ही देना है, तो कोई इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड द अदर पैकेज जो सामने आ जाए? देखिए, जो हमारे टेक्सटाइल की हद तक रहा वो तो क्लियर कट एनर्जी और रॉ मटेरियल पर टैक्सेशन से रही। कॉटन की आपको पता है 3 साल से फसल ख़राब है जी। हम कह सकते हैं कि 3 साल की सबसे बेहतरीन फसल हुई है 98 लाख, मगर हम भूल जाते हैं कि जी 1,50,00,000 बेल से हम नीचे गिर के 98 लाख बेल पे पहुंच गए। फिर उसका वज़न भी कम हो गया, पहले गांठ 165-170 किलो की होती थी, अब 155 किलो की हो गई। तो अगर इन रियलिटी देखें तो फसल जो है वो और कम है। उसके बावजूद रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ लगाई गई, उसके बावजूद जो है वो जब हमारी जो एनर्जी कॉस्ट 4 साल पहले बढ़ाई गई, अभी तक उसमें कोई मीनिंगफुल एड्रेस नहीं हुआ। दूसरे, अब हमारा सारा स्ट्रेस ये है कि जी जो नए प्लांट लगे हैं वो बड़े एनर्जी एफिशिएंट हैं और उससे बचत होगी। हम ये भूल जाते हैं कि जो ये एनर्जी एफिशिएंट प्लांट हैं ये हमने कोई डिज़ाइन नहीं किए हैं, ये सारी दुनिया में मिलते हैं। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं वो भी इन एनर्जी एफिशिएंट प्लांट को लगा के मज़ीद हमसे नीचे चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। हमने ये समझा है कि हमारे जो सिस्टम की तमाम खराबियाँ हैं वो एफिशिएंसी से हम कवर कर लेंगे, जबकि वो एफिशिएंसी दूसरे यूटिलाइज करके हमसे फिर एक स्टेप आगे हो जाएंगे।
सर वैल्यू एडिशन की आप बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की आप बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर रही है, वही हमारे यहाँ कल्टीवेशन का रिवायती और पुराना तरीका है। आज भी स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है, कितना परसेंट हमारा 50% से ज़्यादा ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाता है एज़ पर रिसोर्सेज सेट। और उसके साथ साथ आप मुझे अभी ये बता दें कि ₹180 बिलियन आपको याद है सर, हम बजट में हमने डिस्कस किया था टेक्सटाइल के हवाले से, इसहाक डार साहब ने इकोनॉमिकल सर्वे में ये बात भी कही थी, और उससे कबल 4 माह पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि 180 बिलियन का पैकेज हम टेक्सटाइल के लोगों को देंगे। कहाँ ये वो सारी बातें सर? जो उसको तो पार्शियली उन्होंने रिलीज़ किया है कुछ परसेंट पर जिस तरीके से बात हुई थी वो तकरीबन 5 महीने तो रहा, फिर उसमें कॉटन पे ड्यूटी लग गई जो पार्शली रिवर्सल हुआ। दूसरे उस पैकेज में उसी वक्त डिज़ाइन था कि जो 1.5 साल पे वो मुहित था तो उसमें 1 साल पे ग्रोथ की कंडीशन थी, वो अब वेव हुई है कि उसमें आधा जो है वो हमें रिलीज़ हो जाएगा और आधा जो है वो ग्रोथ से मशरूत है। हालांकि जब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की कंपनसेशन में लोकल टैक्सेशन के बदले तो इसको तो ग्रोथ से लिंक ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं, मगर उसमें एनर्जी फिर भी एड्रेस नहीं हुई थी। ठीक, एनर्जी प्राइसेस तो एड्रेस उस सूरत में भी नहीं हुई। गवर्नमेंट तो बड़ा मार्केट कर रही है कि 0% पर लोड शेडिंग, और आप आज तो हम, मैं 2 हफ्ते पहले तो मैं साइट के एरिया गया, हमारे दोस्त वगैरह वहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज की हालत देखी हमने जाकर, बिजली तो वहाँ जा रही है सर। कैसे ये दावा कर रहे हैं फेडरल लेवल पे आके 0%, या पंजाब की सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि चलो पंजाब में भी हमारे दोस्त वगैरह हैं मुल्तान में जिनकी फैक्ट्रीज हैं, फैसलाबाद में कारखाने लगे हैं, फैसलाबाद का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो लाइट जा रही है, तो कैसे मार्केट की कैंपेन चला रहे हैं? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, आप इतना बड़ा ऐलान करें 0% लोड शेडिंग का, लोड शेडिंग तो हो रही है पूरे पाकिस्तान में। नहीं देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का है तो ये सबसे पहले केई ने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था कि जो पेइंग कस्टमर हैं और जो ज़्यादा रेट पे बिजली लेते हैं उनको उन्होंने दिए। मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे 3-4 साल में इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग कराची में तो ना होने के बराबर है, सिवाय इस हद तक तो उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, और यही मॉडल जो है वो बाकी मुल्क में भी फॉलो किया गया। सर मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा डिसअग्री करूंगा, अभी सर्दियां हैं तो आपने देख लिया, गर्मियां आती हैं तो एकदम से जो है वो इनके प्लांट्स प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, और जो इनके वज़रा और जो उनके चेयरमैन काम कर रहे हैं इन एनर्जी कंपनीज़ में वो तो दावा करेंगे बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेट बाई दैम, वो तो ये बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नेशनल ग्रिड में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इंडस्ट्रीज़ में और हर जगह पर, आपके हाउसिंग में, हमारी अब इंडस्ट्रीज़ में इन एस्पेक्ट ऑफ गवादर सी पैक अभी बहुत रिक्वायर्ड है एनर्जी, तो उस पर आप मुझे बता दें क्या डेवलपमेंट है एनर्जी को मार्केट कर। इंडस्ट्री के तो आप देख लें कि इंडस्ट्री का टैरिफ जो है वो B1, B2, B3 और B4 होते हैं, उसमें आप देख लें मेरे हिसाब से तो रिड्यूस हुई है डिमांड तकरीबन 30-40% तो टेक्सटाइल ही बंद हो गई है, तो वो सारी बिजली भी सरप्लस ही हो गई है घरों को देने के लिए। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि जो हमारी ये क्रॉस सब्सिडीज का एक मैकेनिज्म है एनर्जी में, तो ये आखिरकार जाके रंग लाएंगी ये चीज़ें, ये सब एड्रेस होने, आज नहीं होने कल होने जी सर, ये करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम एक्सपोर्टर्स की या इनको सपोर्ट करने की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो डेफिनेटली बिजली भी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपको लेबर भी चाहिए होगा, आपको 24/7 शिफ्ट लगानी पड़ेंगी, छोटे छोटे यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो जब तक पावर आपका प्रॉब्लम रहेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते जी। देखिए पावर की तकरीबन अवेलेबिलिटी तो जिस तरीके से प्लांट लगे हैं वो हो जाएगी, उनकी अफोर्डेबिलिटी का मसला है ना, कि अब अगर 14 सेंट की बिजली खरीद ली है तो 14 सेंट तो कंपटीशन में तो बराबर में हमारे जो कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज हैं वहाँ तो 7.5 में मिल रही है, तो 7.5 के बदले आप 14 सेंट का माल कैसे बेच लेंगे? सही बात है, तो वो अपने मसाइल जो अब एड्रेस होने वो इन तमाम चीज़ के होने, और ये होंगे भी कैसे, ये भी मेरी भी समझ से बाहर आता रहे, किसी के समझ में नहीं आ रहा सिर्फ जब 14.5 सेंट की आपने एक ने आपने मुआहदा कर लिया 30 साल का, तो वो कैसे आप होगा, किस तरीके से होगा? दुरुस्त बात करें सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ इंटरनेशनली बात करके क्रूड की डिस्कस करेंगे कि क्रूड का रेट कहाँ जा रहा है, फिर उसको देखेंगे पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, टू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।